आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है एपोएंजाइम तथा कोफैक्टर को, ठीक है, कोफैक्टर को या कोफैक्टर के मिलने से जो जटिल अणु बनता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं जो यहाँ पे बिगर की बात कर रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, इसके कितने भाग हो सकते हैं। इसके एक भाग को कहते हैं एपोएंजाइम, ठीक है, एपोएंजाइम, और दूसरे भाग को कहते हैं सह एंजाइम या कोएंजाइम, ठीक है, सह एंजाइम या कोएंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपोएंजाइम है ये प्रोटीन भाग होता है बिकर का, बहुत मुख्य भाग होता है, और ये जो होता है ये अप्रोटीन भाग होता है बिकर का, ठीक है। तो इन दोनों को यानी एपोएंजाइम और कोएंजाइम को, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है, होलो एंजाइम। तो यहाँ पे जो एक संपूर्ण एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कोफैक्टर कैसे, तो क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होंगे, तो कार्बनिक को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, जैसे कि विटामिन प्रोस्थेटिक, ठीक है, और कह सकते हो अकार्बनिक अप्रोटीन भाग को क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर यानी सह कारक बोलते हैं, कोफैक्टर को हिंदी में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एपोएंजाइम प्लस सहकारक को मिला के क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोल सकते हैं, चाहे एपोएंजाइम चाहे सह एंजाइम को मिला के होलो एंजाइम बोलते हैं, जो एक संपूर्ण एंजाइम है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि एपोएंजाइम कोफैक्टर को मिलाने से जटिल अणु क्या बनता है, वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।